हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं गोविंद सरकार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्फिडेंस पॉइंट्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हमने क्रैश कोर्स में यूनिट 4 स्टार्ट कर दिया है। इस चैप्टर में ये यूनिट 4 चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा अल्टरनेटिंग करंट, प्रतिवर्ती धारा का क्वेश्चन हम इस प्लेलिस्ट में या इस वीडियोस में हम करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट से। पहला अल्टरनेटिंग करंट का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एलसी परिपथ का परिणामी विभवांतर व प्रतिबाधा धारा व कालांतर ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक एलसी सर्किट दे रखा है। इस एलआर सर्किट के लिए हमें क्या निकालना है, इसका परिणामी विभवांतर निकालना है, प्रतिबाधा निकालना है, धारा निकालना है और धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर ज्ञात करना है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। मैंने जो है इस चैनल पर 1 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो से पहले मैंने एक एसी का इंट्रो वीडियो अपलोड किया है इस चैनल पर। अगर आपने इंट्रो वीडियो भी नहीं देखा है तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले एसी का जो इंट्रो वीडियो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को आप देखेंगे उसके बाद ही आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम अब स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास एसी परिपथ है, अल्टरनेटिंग परिपथ है, तो अल्टरनेटिंग परिपथ कितने टाइप्स के परिपथ होते हैं? 6 परिपथ होते हैं, ठीक। एक एल परिपथ होता है ओनली, एक सी परिपथ होता है, एक आर परिपथ होता है, एक एल आर परिपथ होता है, एक एल सी परिपथ होता है, एक सी आर परिपथ होता है और एक एल सी आर परिपथ होता है। 6 टाइप्स के परिपथ होते हैं, सॉरी 7 टाइप्स के परिपथ होते हैं और इसमें हमने इनको स्टडी नहीं करना है, एलसी और आर को स्टडी नहीं करना, हमें इनमें से इन 4 को क्या करना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहले एलसीआर परिपथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एलसीआर परिपथ से रिलेटेड न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछते हैं, तो नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलआर परिपथ, और एलआर परिपथ को स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि अल्टरनेटिंग परिपथ कहां काम करता है, ठीक है, इसका यूज क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम एलसीआर परिपथ, क्या रीजन है एलसीआर परिपथ पढ़ने का। तो दोस्तों, एलसीआर परिपथ कहां पढ़ते हैं, एलसीआर परिपथ या एलसी परिपथ, आरसी परिपथ, ये कहां होता है? अब बहुत टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है, जैसे आपका एम्पलीफायर्स होता है, एम्पलीफायर में सर्किट का यूज होता है, जैसे आपका टीवी है, टीवी में आप ट्यूनिंग करते हैं, चैनल्स चेंज करते हैं, वहां यूज होता है। जैसे आप टीवी यूज करते थे, टीवी में आप क्या करते हो कि टीवी का चैनल चेंज करते हो, तो वहां पे प्रत्यावर्ती परिपथ यूज होता है। या जैसे आप टीवी में अपने क्या करते हैं, वॉल्यूम को चेंज करते हो, तो वॉल्यूम में वहां पे भी क्या होता है, आपका अल्टरनेटिंग सर्किट जो है वहां पे यूज होता है, और इन्हीं में से यूज होता है, या तो एलसी सर्किट यूज होता है, आरसी सर्किट होता है, सीआर सर्किट यूज होता है, या एलसीआर सर्किट यहाँ पे यूज होता है। या कहां यूज होता है, ये यूज होता है कहीं फ्रिक्वेंसी जनरेट करने में, जैसे कहीं से एक एंटीना लगा है, एंटीना बेसिकली क्या होता है कि एंटीना फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करता है, फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करने के लिए हम वहां पे एंटीना में क्या यूज करते हैं, एलसीआर सर्किट का हम यूज करते हैं, एलसी सर्किट का यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है एलसीआर सर्किट, इसलिए हम जो है अल्टरनेटिंग करंट में इन सारे सर्किट्स के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहां पे हमारे पास क्या है, एक एलसी सर्किट, सॉरी एलआर सर्किट है। एलआर सर्किट में क्या करते हैं, हम एक इंडक्टर्स और एक रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक। एक प्रेरकत्व और एक प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ के इसके क्रॉस हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज हमने अप्लाई किया V=V0 sin ωt, और मान लेते हैं कि जब हमारे पास जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज VR है, L के अक्रॉस वोल्टेज VL है, ठीक ना, और इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है। तो इससे पहले वीडियो में हमने बात किया था कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज एंड करंट का कैसा बिहेवियर होता है और इंडक्टर में रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज का कैसा बिहेवियर होता है। तो यहां पे सबसे पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है कि वोल्टेज और करंट जो है वो क्या होता है, समान कला में होते हैं, मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है उसी के साथ साथ पैरेलली में क्या होता है, करंट बढ़ता है, किसमें, रेजिस्टेंस में। यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होता है इसका, फाई कितना होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे वोल्टेज का इक्वेशन है V0 sin ωt, ये जगह I = I0 sin ωt, इसको रिप्रेजेंट करते हैं V R से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं V R से रिप्रेजेंट करते हैं।
सेम अगर इंडक्टर्स की बात करेंगे तो इंडक्टर्स में क्या होगा कि इंडक्टर्स में VL इसके क्रॉस जो वोल्टेज है VL और इसमें प्रवाहित धारा जो I है इनके बीच में क्या होता है कालांतर होता है पाई बाय टू, मतलब वोल्टेज धारा से पाई बाय टू क्या होता है अग्रगामी होता है। तो यहां पर वोल्टेज का इक्वेशन लिख दिया हमने VL इज इक्वल टू V नॉट साइन V ओमेगा टी माइनस सॉरी ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू और आई का इक्वेशन सी हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कालांतर जो है इसमें पाई बाय टू जोड़ा है, तो इसका फेस कितना है पाई बाय टू ज्यादा है। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं फेजर डायग्राम में बनाते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं वोल्टेज एंड करंट के बीच में। तो फेजर डायग्राम के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इससे पहले आपको मेरा पहला वीडियो इंट्रो वीडियो देखना पड़ेगा, उसको आप पहले देख लीजिए। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम करंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये करंट एक्सिस मान लेते हैं आई, ठीक ना, किस एंगल पर है ये ओमेगा टी एंगल, इनिशियली इसका फेस कितना ओमेगा टी है, ठीक ना। और यहाँ पे आई और वी आर जो है ये दोनों क्या है सेम कला में है, तो इसी कला में इसी डायरेक्शन में क्या जाएगा वी आर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आई और वी आर क्या होंगे सेम डायरेक्शन में होंगे, क्लियर है। चलिए अच्छा नेक्स्ट जो है वी एल है, वी एल आप देख सकते हैं कि करंट आई से जो है वो कितना पाई बाय टू अग्रगामी है, इट मीन यहाँ पे वोल्टेज करंट से पहले चलेगा किसमें वी एल में एल इंडक्टर्स में, तो यहां पे आएगा आपका वोल्टेज ये वी एल का वोल्टेज, ठीक है ये आ जाएगा वी एल, ठीक। और यहां पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल बन रहा है आपका मान लेते हैं पाई बाय टू, कितना पाई बाय टू। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो वी एल और वी आर है ये क्या है एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर है, ठीक ना। यहाँ पे वी एल भी वेक्टर वेक्टर है, यहाँ पे वी आर भी वेक्टर है, और यहाँ पे सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि अल्टरनेटिंग करंट में हम वोल्टेज और करंट को क्या करते हैं एज अ वेक्टर्स बिहेव कराते हैं, एज अ वेक्टर्स मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है ये दोनों क्या पढ़ा है हमने ये दोनों स्केलर क्वांटिटी होते हैं, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में ये एज अ वेक्टर्स बिहेव करता है। क्यों बिहेव करता है अब हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और लास्ट में वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों ये जो है एज अ वेक्टर्स हम यहाँ पे परफॉर्म करा रहे हैं दोनों को। अच्छा अब यहाँ पे देखिए इनका जो परिणामी वेक्टर्स परिणामी वोल्टेज या परिणामी वोल्टेज कितना होगा, परिणामी वोल्टेज, ठीक ना वी परिणामी वोल्टेज कितना होगा, देखिए यहाँ पे दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो हम ले लेते हैं कि इसका परिणामी जो है वो इस डायरेक्शन में है वी, इससे फाई कोण पर, कितने कोण पर फाई कोण पर, ठीक ना। इसको अलग से हम बना लेते हैं इस टाइप से, ये हमारा वी आर है, ये हमारा वी एल है, ये हमारा परिणामी है वी, ठीक ना, कितने इससे फाई एंगल पर, किससे यहां से फाई एंगल पर, तो परिणामी कितना हो जाएगा परिणामी हो जाएगा इससे अगर यहां से हम क्या करते हैं एक लंब डाल देते हैं तो ये हमारा वी एल हो जाएगा, ये हमारा वी आर हो जाएगा, ये हमारा विकर्ण है कर्ण जिसको कहते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, तो यहां पे वी इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, ये आ गया आपका परिणामी वोल्टेज, ठीक है फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकेंड पॉइंट निकालना है, सेकेंड पॉइंट हम निकालते हैं इसकी प्रतिबाधा, प्रतिबाधा प्रतिबाधा का मतलब होता है कि जो भी सर्किट की स्टडी कर रहे हैं चाहे वो एलसी सर्किट हो, एलसी सर्किट हो, आरसी सर्किट हो, कोई से भी सर्किट हो, तो वो सर्किट टोटल कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है करंट के लिए, ठीक है उसको हम कहते हैं प्रतिबाधा, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो प्रतिबाधा को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ये जेड निकालना है, ठीक है, तो हम यहां पर यूज करते हैं दो वी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगा वी एल को लिख सकते हैं आई एक्सएल, आई एक्सएल, एक्सएल जो है यहां पे होता है एक्सएल बराबर होता है प्रतिघात, प्रतिघात का मतलब होता है प्रतिरोध, लेकिन ये प्रतिरोध कौन क्रिएट कर रहा है, ये प्रतिरोध क्रिएट कर रहा है इंडक्टर एल, किसके लिए करंट के लिए, इसलिए इस प्रतिरोध को हम क्या कह रहे हैं प्रतिघात, इसको एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं का स्क्वायर प्लस आई आर का स्क्वायर, क्लियर ना। अच्छा यहां से देखें आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर रूट, आई जो है
स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो आई स्क्वायर रूट ऑफ एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर ना वी आई इसके अपॉन में आ जाएगा तो वी अपॉन आई इज इक्वल टू जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर. और वी अपॉन आई क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी अपॉन आई क्या होता है आर होता है. आर क्या है प्रतिरोध टोटल प्रतिरोध सर्किट के लिए और यहां पे टोटल प्रतिरोध सर्किट का क्या है जेड है तो जेड इज इक्वल टू क्या जाएगा वी अपॉन आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर. ये आ गया हमारा प्रतिघात सर्किट के लिए ठीक है. अच्छा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या निकालना है हमें निकालना है कालांतर किसके बीच में धारा और वोल्टेज के बीच में. अच्छा ये देखिए यहां पे इस डायरेक्शन में है धारा इस डायरेक्शन में नेट वोल्टेज ठीक है इनके बीच कालांतर कितना फाइव ये फाइव इसी डायरेक्शन में आई ठीक है ना तो टेन फाइव यूज कर सकते हैं हम यहां पे टेन फाइव इज इक्वल टू देखिए टेन फाइव इज इक्वल टू क्या जाएगा वी एल बटे वी आर. क्यों क्योंकि टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है आधार ये हो जाएगा आपका लंब ये हो जाएगा आपका आधार ये आ जाएगा ना वी आर क्लियर ना तो टेन फाइव इज इक्वल टू वी एल अपॉन वी आर और वी एल इज इक्वल टू होता है आपका आई एक्सएल अपॉन आई आर आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा यहां पे बचेगा एक्सएल अपॉन आर तो टेन फाइव अच्छा फाइव बराबर क्या हो जाएगा यहां पर टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर ये हो जाएगा आपका कलांतर किसके बीच में वोल्टेज एंड धारा के बीच में. अच्छा नेक्स्ट अगर हम लिखते हैं धारा का इक्वेशन तो धारा के इक्वेशन क्या जाएगा आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव ठीक है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी फाइव और फाइनलाइज वोल्टेज जो हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी ये हो जाएगा आपका इक्वेशन या आप इस इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन को आप ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी वी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ठीक है ना सॉरी वी नॉट प्लस फाइव ऐसे भी आप लिख सकते हैं. सेम मीन सेम है यहां पे इसका मीन क्या है कि वोल्टेज जो है वो धारा से पाई डिग्री अग्रगामी है. यहां पे सेम मीन फिनोमेना है कि धारा जो है वो वोल्टेज से पाई एंगल पश्चगामी है ना चाहे आप धारा को पीछे कह लें या वोल्टेज को आगे कह लें बात तो हमारा वही सेम है. तो आप इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं और इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कोई इनमें डिफरेंस नहीं है. दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो ठीक है ना आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. और मैंने आपसे पूछा था वीडियो को फर्स्ट में कि अल्टरनेटिंग करंट में हम वोल्टेज और धारा को ऐसा वेक्टर्स क्यों परफॉर्म कराते हैं या क्यों लेते हैं ना तो यहां पे हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें क्या होता है डायरेक्शंस होते हैं. तो अब वोल्टेज और धारा में क्या होता है ना कि इसमें एक स्पेशलिटी ऐड हो जाती है अल्टरनेटिंग करंट में कि इसमें एक डायरेक्शन भी ऐड हो जाता है. कैसा डायरेक्शन जैसे आप देख सकते हैं ना यहां पे वी के साथ क्या यूज हुआ कालांतर ओमेगा टी क्या रिप्रेजेंट करता है ओमेगा टी रिप्रेजेंट करता है इसके डायरेक्शन को कि किस डायरेक्शन में वोल्टेज फ्लो हो रहा है चाहे वो हाफ जैसे ये हाफ पॉजिटिव सर्कल में धारा वोल्टेज इस डायरेक्शन में जा रहा है इसमें आधे में फिर वोल्टेज इस डायरेक्शन में जा रहा है फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस टाइप से क्या कर रहा है वोल्टेज का डायरेक्शन और वोल्टेज का मान क्या है यहाँ पे चेंज हो रहा है. तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि वोल्टेज यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है धारा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और धारा के साथ क्या जुड़ गया है यहाँ पे इनके साथ जुड़ गया है कालांतर और कालांतर रिप्रेजेंट करता है उस क्वांटिटी के डायरेक्शन को उनके पोजीशन को ठीक है ना इसीलिए यहाँ पे हम वेक्टर्स को वोल्टेज और धारा को एज अ वेक्टर्स हम परफॉर्म करा रहे. आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ठीक है ना. और आपको कोई भी डाउट्स है कुछ भी पूछना है तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहां से उन सारे लिंक्स को विजिट कर सकते हो. और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बने रहिए हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को पढ़ाते रहिए. फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.